एक बात बताइए नेताजी, पहले आप राजीव गांधी के साथ थे, उनकी एक पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी, फिर आप रामविलास जी के साथ गए जो राजीव की नीतियों को गलत बताते थे। मैं ये और भी नेताओं से पूछता हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि नेता जब पॉलिटिकल पार्टी स्विच करते हैं तो वो आइडियोलॉजिकल रीअलाइनमेंट कैसे होता है? सबसे पहला सवाल आपने पूछा, रामविलास जी उस समय अलायंस में आए, कांग्रेस में भी रहे, जब गुजरात की घटनाएं हुई तो उन्होंने रिजाइन दिया। हाँ, तब उन्होंने एनडीए से रिजाइन दिया। जी। और गुजरात में 94 दिनों तक वो बिताए और एक आग जो जल रही थी उसको शांत करने में बहुत बड़ा हाथ था, और उनकी मेंटेलिटी कांग्रेस से ही जुड़ी हुई थी। रामविलास पासवान ने एक 2004 से 2014 वाला, जब वो यूपीए का हिस्सा थे, पूरी ज़िंदगी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की। जब 1969 में वो पहली दफ़ा अलौली से जीते, 77 में छपरा से जीते। छपरा से तो कभी चुनाव नहीं लड़े, सॉरी हाजीपुर से, माफ़ करिएगा। ऐसी बात आप बार बार पूछ रहे हैं, आज के युग में कब क्या होगा, नेता कब क्या करेगा, ये कहना मुश्किल है। उन्होंने मनमोहन सिंह के कैबिनेट में भी मंत्री रहे, तो कांग्रेस की अगर आइडियोलॉजी गलत थी तो ये कोई क्यों कांग्रेस के मंत्री बने? एनी बात, फिर वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी मंत्री बने। हाँ, बने। नरेंद्र मोदी की भी कैबिनेट में मंत्री बने और उसका गुनाहगार रामविलास पासवान नहीं थे, उसका गुनाहगार कोई था तो उसका नाम काली पांडे है। जरा विस्तार से बताइए। अब कितना विस्तार से मैं बताऊं? कब कब आप ऐसे बैठते हैं तसल्ली से कैमरे के आगे, बताई दीजिए। कारण ये था, मैंने देश के हवा के रूह को पहचाना जी, और ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आ जाएगी। मैंने गया राजनाथ सिंह जी के यहाँ, बहुत मानते हैं हमको, तो उन्होंने पहला सवाल हमसे किया कि पांडे जी, रामविलास जी से बात कीजिए कि हम लोगों का हिस्सा बन जाए। बात की शुरुआत हुई, मुलाकात हुई। दुर्भाग्य था कि सोनिया गांधी के यहाँ गए, सीट का ऑफर किए, तो उस समय लालू जी हावी थे सोनिया जी पर, कोई चारा नहीं दिखा तो हम लोग चले गए एनडीए के साथ। क्योंकि जो नेता स्वर्गीय गफूर साहब एक बात हमसे कहे थे जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, आप अब्दुल गफूर की बात कर, हाँ, अब्दुल गफूर यहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, 1972 में चुनाव हुए, केदार पांडे मुख्यमंत्री बने, और फिर 1974 में केदार पांडे को हटाकर, 73 में माफ़ करिएगा, अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री लगाया गया, यही गोपालगंज से ही थे। हाँ, गोपालगंज से ही थे जी। तो मैं पार्लियामेंट से बहुत गायब रहता था। गफूर साहब तब ये हाउसिंग और इन सब के मिनिस्टर हुआ करते थे, है ना, शहरी विकास बाद में दिया गया था। फिर तो गफूर साहब ने एक बात कहा, तिरते अब एक बात कहियो ना जीत में, नहीं चाचा ही क्या सवाल करते हैं आप, तो तुम रोज क्षेत्र में दौड़ते हो, मैं कहीं जाता हूं तो अब पूछा कि क्यों, अच्छा देख, राजनीति में हवा पहचाना जला, दौड़ले आ काम कैले के वोट ना देला,
हम हवा का रुख दे पता करते हैं ये किस पार्टी का हवा है, उसी से टिकट लेकर लड़ जाते हैं, चुनाव जीत जाता हूं। जब तक हवा का रुख नहीं पहचानोगे तब तक चुनाव नहीं जीत सकते हो। कभी काल मुझे ये बातें याद आती है कि जितना मैं आज भी मेहनत करता हूं, हारने और जीतने का कोई फर्क मुझ पर पड़ा नहीं आज तक। ये हारने में क्या घटा है, जीतने में क्या मजा है। अगर आप में क्षमता हो तो जीत हार का कोई असर नहीं पड़ता है। दिल्ली के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर अपने को जो मैं स्थापित किया, आज भी दिल्ली में अगर राष्ट्रपति के यहाँ जाना हो तो एक सेकंड समय नहीं है। कोई मंत्री के यहाँ कोई काम हो तो मैं पर्चे के लिए मुहताज नहीं हूँ। यहाँ 15,000 लोगों का मैं प्राण बचाया, किसी का किडनी खत्म था, किसी का लीवर खत्म था। और दुर्भाग्य है यहाँ जब कोई बीमार पड़ता है तो पटना या गोरखपुर चला जाता है। यहाँ डॉक्टर तब तक आपको नहीं छोड़ते हैं जब तक ये कन्फर्म हो जाते हैं कि ये मरेगा तो रेफर टू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो मैं लाता हूँ, ले जाता हूँ, एस्कॉर्ट से लेकर सभी में मेरे मित्र हैं, इलाज कराता हूँ। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी विदेश व्यापार। विदेश जाने के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया लोग ठगे थे, सबको पकड़वाया और अभी तक 14 करोड़ रुपया रिकवर कराया। जहाँ हमारा डेरा है सरता विहार, उसके सामने जामिया मिलिया, ये सब है। तो ठगने वाले लोग गोपालगंज सिवान के 20,000 हैं, ठगाने वाले लोग गोपालगंज सिवान के 4,00,000 से ऊपर लोग हैं जो ठगी का शिकार होकर घूम रहे हैं। तो मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज भी रात दिन मैं काम करता हूँ।